आज कई माताएं मुझसे कहती हैं कि वे चाहती हैं कि उनकी संतानें हमारे पर्व त्यौहार संस्कृति से जुड़े, पर मुझे लगता है इसके लिए हमें हमारी संतानों को हमारे पर्वों का सच्चा अर्थ, महत्व, उन्हें मनाने का सही तरीका, उसके उद्देश्य जिसका वैज्ञानिक महत्व भी हो, वह सब ज़रूर बताना होगा। यह सभी ज़रूरी बातें हम हमारी क्लासेस के द्वारा भी बताते हैं। आइए आज इस कड़ी में धनतेरस मनाने का सही उद्देश्य, उससे जुड़ी मान्यताएं, सच में उस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, भगवान धन्वंतरी का क्या विशेष मंत्र होता है, यह सब आपको बताती हूँ। सबसे पहले हिंदू मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय शरद पूर्णिमा को चंद्रदेव, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय, त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी, चतुर्दशी को काली माँ, अमावस्या को माँ लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुए थे। भागवत पुराण में भी वर्णित है, जब देवता और असुरों ने अमृत की इच्छा से समुद्र मंथन किया, तब उसमें से एक अत्यंत अलौकिक पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथों में कंगन और अमृत से भरा हुआ कलश था। वे साक्षात भगवान विष्णु के अंशांश अवतार थे। वे ही आयुर्वेद के जनक यज्ञ भोक्ता धन्वंतरी नाम से सुप्रसिद्ध हुए। अर्थात भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का ही रूप बताया जाता है। सृष्टि में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार के लिए ही भगवान विष्णु ने यह अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य है तथा इनकी पूजा से आरोग्य सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। भागवतम में ही आगे कहा गया है, जो निरंतर धन्वंतरी नाम का स्मरण करता है वह सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। अर्थात वैसे तो रोजाना ही हमें उनका मंत्र का जाप करना चाहिए, पर आज के दिन तो हमें वह विशेष मंत्र जरूर करना चाहिए। यह मंत्र भी मैं आपको अंत में ज़रूर बताऊंगी। अभी देखिए कि 28 अक्टूबर 2016 को हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आयुष मंत्रालय ने भी इस दिन को आयुर्वेदिक डे के रूप में घोषित किया है, पर आज भी अधिकतर लोग इस दिन धन बढ़ाने के लिए कई उपाय करते हैं, सोना चांदी के आभूषण तथा बर्तन खरीदते हैं, क्योंकि वे लोग धन शब्द को मुद्रा या अमूल्य वस्तुओं से जोड़ते हैं, पर इसका शास्त्रों में इस तरह कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। भगवान धन्वंतरी कलश लेके जन्मे थे, इसलिए हम भी कलश या अन्य बर्तन खरीदें, इसका क्या अर्थ होता है? आयुर्वेद में धन का मतलब स्वस्थ शरीर से है, और मर्म थेरेपी तथा अन्य चिकित्सा की शाखाएं भी यह बताती है कि सोना हमारे शरीर व मस्तिष्क के लिए सुपर टॉनिक है, वहीं चांदी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज मौजूद होती है। यह सारे आभूषण शरीर के जिन स्थानों पर पहने जाते हैं वहाँ हमारे महत्वपूर्ण मर्म पॉइंट्स भी होते हैं, जहाँ आभूषण बहुत शुभ प्रभाव देते हैं, शरीर की बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाते हैं, बेहतर न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, सही ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए अगर आज के दिन हम सही उद्देश्य और इनका सही उपयोग में लाने के लिए सोना चांदी खरीदते हैं तो उसका महत्व भी है, वरना अन्य उद्देश्य का शास्त्रों में मुझे कहीं उल्लेख नहीं मिलता। और तो और हमारे यहाँ साधारण शब्दों में भी समझाया जाता है, पहला सुख निरोगी काया, फिर तूजी घर में कोई माया। इसीलिए माँ लक्ष्मी से पहले भगवान धन्वंतरी अवतरित हुए। अर्थात हमें सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि तब ही हम अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे, धन वैभव को भी तभी ठीक से जुटा पाएंगे, साथ ही उनका लाभ भी ले पाएंगे। आशा है आप सभी जागृत माताओं के द्वारा गर्भस्थ संतान के शुभ पोषण के लिए हम सही राह पर आगे बढ़ उन्हें सही तरह से संस्कारित कर पाएंगे। आइए अंत में भगवान धन्वंतरी से विश्व के सभी लोगों के लिए शुभ स्वास्थ्य की प्रार्थना करें, मेरे साथ साथ हाथ जोड़ कहें, ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवाराणाय त्रैलोकपथाय त्रैलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री श्री औषधे चक्र नारायणाय नमः।
ओम धन्वंतराय नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।